विधानसभा हल्का सतानवे सरदूलगढ़ में पोलिंग बूथ नंबर 86 के चुनाव दोबारा 9 फरवरी को होंगे। चुनाव से 48 घंटे पहले किया गया ड्राई डे घोषित। विधानसभा चुनाव 2017 पिछले दिन ही 4 फरवरी 2017 को मुकम्मल हो गई थी, लेकिन गांव कौरवाला में पोलिंग बूथ नंबर 86 विधानसभा हल्का सतानवे सरदूलगढ़ के चुनाव 9 फरवरी को भारतीय इलेक्शन कमीशन के हुक्म के अनुसार करवाए जा रहे हैं। कांग्रेस के उम्मीदवार अजीत नंदन सिंह मोफर ने बताया कि मशीन में कुछ तकनीकी खराबी आ जाने के कारण द्वारा पोलिंग हो रही है और प्रबंध अच्छे हैं। मॉक वोटिंग करके हो गई या कोई बटन खराब हो गया, वो 40-50 वोटा उस वादा आ गया, उस करके दोबारा रीपोलिंग है। बड़ा बढ़िया इंतजाम है, एवरीबॉडी इज डूइंग वंडरफुल जॉब, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर एक बंदा वो अपना कैंडिडेट कर रहा है और ऑब्जर्वर सारी टीम सारे प्रॉपरली चेक कर रखे हैं, बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो वोटा पईयां ने वोट पोल 1142 वोटा पोल हुईयां सी, पर 1100 तो जो मशीन चेक करी सी उदो 1100 वोट दस रही थी, उदो 1100 तो बाद 42 वोट पोल होने तो बाद जो दोबारा चेक करी एंड ते जाके तो 1199 वोटा मशीन दस रही थी, मशीन च कोई फल्ट आ गया। हूँ असं सैटिस्फाई है, बाकी तो सवेरे सामने आज जो भी है। जी 9 तरीक न मानसा जिले के सारे विद्यक अदारिया जिन्हें भी सरकारी दफ्तर ने उन्होंने छुट्टी का ऐलान किया गया और सुरक्षा संबंधी असं कोई भी चांस नहीं लै रहे। पिंड के जिन्हें भी पहुँच मार्ग हैं उन्होंने सारिया पुलिस के नाके लगाए गए हैं। फ्लाइंग स्क्वाड टीम जिहड़ियां साडियां स्टैटिक सर्वेलेंस टीम ने पूरी मुस्तैदी काम कर रही ने, और मैं सारे वोटर ने जोड़े उन्होंने अपील करदा है कोरवाले दे कि वह बिना किसी डर भय दबा या लालच के कल वोट हुम हुमा के पाउण लई आउण। असी ये वोट नूं जिवें पहला वोटा पईयां ने फेयर और बिल्कुल वायलेंस फ्री कराउण लई दृढ़ संकल्प हाँ, ते साडी तैयारी पूरी है। मानसा से अजार टीवी न्यूज़ के लिए मनीष शर्मा की रिपोर्ट।